प्रेसिडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्लास 10th साइंस। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 1, व्हिच इज क्लीन फ्यूल, इनमें से कौन सा क्लीन फ्यूल है। सबसे पहले क्लीन फ्यूल की करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। क्लीन फ्यूल वो फ्यूल होता है जिसके बर्निंग होने से जो गैसेज निकलती है वो ज्यादा हार्मफुल गैसेज ना हो, उसको बोलेंगे क्लीन फ्यूल। ठीक है, मींस जो जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसके बर्न होने के टाइम पे ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या ना रिलीज हो, दोबारा रिलीज ना हो, उसको बोलते हैं क्लीन फ्यूल। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं, डीजल के अंदर क्या होता है, धुआं निकलता है, पेट्रोलियम के बर्न होने से भी धुआं निकलेगा, सीएनजी से नहीं होगा, सीएनजी को क्लीन फ्यूल माना गया। इसका आंसर है सी, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास। ठीक है, इनमें से बायोमास का एग्जांपल कौन सा नहीं है, बायोमास को देखते हैं। सबसे पहले उत्तर क्या है, बायोमास क्या होता है, एक मटेरियल होता है किसे प्लांट और एनिमल की बॉडी से जिसको यूज किया जाता है एज ए फ्यूल, उसको बोलते हैं बायोमास। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये बता रहे हैं इन चारों में से कौन सा बायोमास का एग्जांपल नहीं है। सबसे पहले वुड, वुड बायोमास का एग्जांपल है। ठीक है, चारकोल भी है, ठीक है, डंग गैस ये भी है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं है, इसका आंसर होगा डी, न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, सेकंड का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्लोइंग वाटर हैज एनर्जी, जो जब पानी बहता है तो पानी के बहने से कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो न्यूक्लियर एनर्जी नहीं होगा, रेडिएशन होती है सन से या किसी रेडिएशन से जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं रेडिएट एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगा इसका आंसर, काइनेटिक एनर्जी होता है जो मूवमेंट से हो। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें किसी दीवार की तो पोजिशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है। ठीक है, क्योंकि वोटर क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, उससे जो एनर्जी होगी उसका नाम होगा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री इज नोन एज कंट्री ऑफ विंड्स, कौन सी कंट्री को कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है। ठीक है, मींस उस कंट्री के अंदर जो मेन सोर्स है एनर्जी का वो क्या है, विंड्स, तो डेनमार्क जो कंट्री है उसको कंट्री ऑफ विंड्स बोला जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा नंबर के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी हेल्प से होती है, विंड एनर्जी की हेल्प से होती है, विंड मिल की हेल्प से होती है। इसका आंसर होगा डी, डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्न विदाउट फ्लेम। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए आपको। ठीक है, चारों में से आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा फ्यूल जब वो जलता है बिना फ्लेम के। ठीक है, कोयला, इसमें भी फ्लेम होगी, वुड के अंदर भी ऐसा ही होगा, चारकोल, जो चारकोल होता है उसके जब वो जलता है विदाउट फ्लेम जलता है। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, सी, चारकोल। क्वेश्चन नंबर 6, द परसेंटेज और क्वांटिटी ऑफ मीथेन इन बायोगैस। ठीक है, बायोगैस के अंदर आपको परसेंटेज या ये बताना कितनी क्वांटिटी के अंदर जो बायोगैस होती है उसके अंदर मीथेन वाला जो कंपोनेंट है उसकी कितनी परसेंटेज होगी, 25%, ये भी नहीं, 65%, 75%, इसका आंसर होगा डी, 75% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। ठीक है, इस अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कौन सा है, प्लांट भी नहीं तो प्रोड्यूसर है, कोयला ये भी नहीं, सन। ठीक है, मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे अर्थ के लिए कौन है, सन, आंसर सी, सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट डोमेस्टिक फ्यूल इज। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट आंसर बताना है कौन सा डोमेस्टिक बेस्ट फ्यूल है। ठीक है, जो घर के अंदर यूज किया जाता है, सीएनजी व्हीकल के अंदर। ठीक है, क्लीन फ्यूल है बट यूज किया जाता है किसके अंदर, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ठीक है, लिक्विडफाई H2 हाइड्रोजन ये भी नहीं, लिक्विडफाइड हाइड्रोजन भी नहीं, एलपीजी, इसका आंसर होगा सी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसको यूज किया जाता है, जो एलपीजी के सिलेंडर होते हैं उनको घर में यूज किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सी, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायनमो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम। ठीक है, ये कह रहा है कि जो डायनमो होती है, जो गाड़ी जैसे
ट्रैक्टर कार उनके अंदर होता है, वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी देती है। ये कह रहा कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी बनी है वो कैसे प्रोड्यूस हुई है, किससे प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से नहीं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी से भी नहीं, मैकेनिकल एनर्जी से, जब वो घूमता है, ठीक है, तब तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है। इसका आंसर होगा सी, मैकेनिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन पार्ट ऑफ बायोगैस इज, ये कह रहा है कि बायोगैस के अंदर सबसे ज्यादा या मेन पार्ट कौन सा है बायोगैस के अंदर, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं, हाइड्रोजन ये भी नहीं, जो होता है मेन मिथेन, ठीक है, मिथेन CH4 मिथेन। आंसर होगा डी, 10 का डी। क्वेश्चन नंबर 11, सैलरी इज हैव, सैलरी का मतलब होता है डंग और जो वाटर का मिक्सर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सैलरी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं सैलरी के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम स्पीड ऑफ विंड फॉर ए विंड मिल टू बी ऑपरेट या ऑपरेशनल, ठीक है, ये कह रहा है कि विंड मिल को पर एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए कितनी विंड की स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, दो विंड की स्पीड होगी कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तो इसका आंसर होगा सी, 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच, अब गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किस फ्यूल को कह सकते हैं हम, ठीक है, हमने एक करेक्टरिस्टिक बताई थी गुड फ्यूल की, उसके अंदर क्या था, जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, मतलब वो ईंधन जब उसको बर्न करते हैं तो हाई अमाउंट के अंदर क्या दे, कैलोरीफिक वैल्यू दे, ठीक है, तो ये भी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। प्रोड्यूस नो स्मोक, ठीक है, मतलब वो फ्यूल अगर उसको जब हम बर्न करते हैं तो उसके अंदर स्मोक निकले, निकले तो थोड़ा बहुत निकले, तो नो स्मोक, ठीक है, नो स्मोक, ठीक है, ये भी करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। इजिली अवेलेबल, जो आसानी से मिल जाए, ये भी होना चाहिए, तो इसके अंदर ए बी सी तीनों कंडीशन फुलफिल होती है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनमें से कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बताने हैं कौन से है, पेट्रोलियम भी है, हाइड्रो पावर प्लांट भी है और थर्मल पावर प्लांट भी है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूज्ड टू मेकिंग सोलर सेल, ठीक है, जो सोलर सेल होती है, ठीक है, और जो सोलर सेल से पैनल बनता है, ठीक है, ये कह रहा है कि सोलर सेल के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है जिससे सोलर सेल बनती है, ठीक है, गोल्ड ये भी नहीं होता है, कार्बन भी नहीं होता है, फॉस्फोरस भी नहीं होता है, सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन होता है सोलर सेल को जब हम क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, एलपीजी मेनली कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, एलपीजी जो होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको डोमेस्टिक पर्पज के लिए एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट है कौन सा है, मिथेन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, इथेन भी नहीं है, ब्यूटेन, कौन सा होगा, ब्यूटेन, इसका आंसर होगा डी, 16 का आंसर डी, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 17, द फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जिसको बर्न करने के बाद जो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या दे, हीट प्रोड्यूस करे, ठीक है, उष्मा प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, मीथेन नहीं, ब्यूटेन भी नहीं, सीएनजी भी नहीं, हाइड्रोजन, ठीक है, इसका जो आंसर होगा, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या करता है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, 17 का आंसर डी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, ये कह रहा है कि वो डिवाइस कौन सी है जिससे सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाती है, मतलब सोलर एनर्जी से, सन की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन बनाता है, ठीक है, सोलर कुकर नहीं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसकी स्टीम, ठीक है, थर्मल एनर्जी, डायनो, इसी क्या करता है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सोलर सेल, ठीक है, सोलर सेल, इसका आंसर होगा सी, सोलर सेल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, द कलर विच इज बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट,
इनमें से कौन सा कलर बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ हीट, मतलब कौन सा ऐसा कलर है जो मैक्सिमम बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ब्लैक, डी, ठीक है। डी ब्लैक जो कलर होता है वो क्या करता है, बेस्ट एब्जॉर्बर होता है किसका, हीट का। वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर जो हीट होती है, ठीक है, उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, गेन करता है। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर नेक्स्ट डी। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, एक्सपेंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ देम इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चार में से करेक्ट को क्लिक करना है और आपको ये बताना है कि इनमें से जो सोर्स ऑफ एनर्जी किसको आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली बोलोगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब यहाँ पे है जो पोल्यूशन ना करे, जो किसी तरह का पोल्यूशन के अलावा जो चीप हो, आसानी से मिल जाए, वो चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोयला नहीं है, पेट्रोलियम भी नहीं है, विंड एनर्जी, ठीक है, विंड मिल से जो एनर्जी मिलती है, विंड मिल की हेल्प से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, डेट इज कॉल्ड विंड एनर्जी, ठीक है। विंड एनर्जी से किसी भी तरह का कोई स्मोक या किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता इन्वायरमेंट के अंदर, इसलिए इनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द सेलरी लेफ्ट बिहाइंड इन बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज, ठीक है। ये कह रहा है कि हमने आपको बताया था सेलरी डालते हैं डंग और वाटर का एक मिक्सर बना के, ठीक है। जब क्या होता है उस किसमें बायोगैस प्लांट के अंदर, जब बायोगैस प्लांट के अंदर डालने से जो उसके अंदर मिथेन बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, सेलुलोज कंटेंट जितना होता है उसको यूज करके चेंज कर देता है किसके अंदर, मिथेन गैस के अंदर, ठीक है। अब जो मिथेन गैस का प्रोडक्शन होने के बाद, बायोगैस का प्रोडक्शन होने के बाद वहां पे क्या होता है, कुछ लेफ्ट बच जाता है, ठीक है, उसको यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए, मैन्योर के लिए, ठीक है, खाद के लिए, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, और फॉस्फोरस होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, डी यूज किया जाता है मैन्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, द नेचुरल गैस कंसिस्ट मेनली ऑफ, ठीक है, नेचुरल जो गैस होती है उसके अंदर मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन भी नहीं, इथेन भी नहीं, उसके अंदर होता है मीथेन, सी ऑप्शन है इसका, मीथेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सी इज, जो एनर्जी हम लेते हैं मिलती है हमें सी से, समुद्र से, वो कौन सी होती है, टाइडल एनर्जी भी होती है, ठीक है, वेव एनर्जी भी होती है, ओशियन थर्मल एनर्जी भी होती है, तो इसका आंसर होगा डी। आलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, डैश इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन पार्ट कौन सा है, तो इसका आंसर होगा मीथेन, CH4 मीथेन मेजर पार्ट होता है कौन सी, बायोगैस के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू, ये कह रहा है कि जो सोलर सेल होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, सिलिकॉन एलिमेंट होता है, वो क्या करती है, उससे जो सोलर एनर्जी होगी वो किसके अंदर चेंज होती है, वो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इन विंड टरबाइन द डैश एनर्जी इफ विंड इज यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क, ठीक है, जो विंड मिल के अंदर जो टरबाइन होती है, विंड टरबाइन, ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इन विंड टरबाइन द डैश एनर्जी इफ विंड इज यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क, ठीक है, तो इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैन मेड सैटेलाइट हैज, ठीक है, ये कह रहा कि जो आदमी ने सैटेलाइट बनाया है उसके अंदर जो चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो सोलर सेल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर डैश एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर कौन सी एनर्जी, ठीक है, जब
पानी के पड़ने से चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, तो उसका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ठीक है चेंज हो जाती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर।